मनुष्य का जीवन बड़ा अद्भुत है। घृणा और प्रेम 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी के ऐसे चक्र हैं जिनमें तुम घूमते रहते हो, और जिससे कुछ ज़्यादा ही घृणा हो जाती है, जिसका कोई व्यवहार ज़्यादा ही अप्रीतिकर हो जाता है, आप कहते हैं उससे मुझे बहुत घृणा हो गई है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, घृणा आपको किससे होती है? सड़क पर चलते हुए किसी अजनबी के प्रति तो घृणा नहीं होती, किसी दूसरे आदमी के प्रति तो नहीं होती। घृणा उसी से ही होती है जिससे आपका नाता है, जिससे आपका रिश्ता है, जिससे आपका संबंध है, जिससे आप किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हो। लेकिन आप देखो, जिससे आपका नाता है, जिससे आपका रिश्ता है, जिससे आप किसी न किसी रूप में गहरे से जुड़े हो, अगर आप गंभीरता से देखो और निष्पक्ष रूप से बैठ जाओ, तो तुम पाओगे कि जिससे तुम्हारा इतना गहरा रिश्ता रहा है, उसमें ज़रूर कोई न कोई अच्छाई होगी जिसके कारण तुम्हारा इतना रिश्ता गहरा हुआ है। अरे, किसी से तुम्हारा लव अफेयर हुआ, प्रेम संबंध बना, और कोई तो कोई प्रेम की तरंग रही होगी जिसके कारण लव अफेयर हुआ, जिसके कारण प्रेम संबंध बना, जिसके कारण तुम एक दूसरे के करीब आए, और तुम्हारा करीब आना तुम्हें दाम्पत्य सूत्र में भी बांध देता है। तुम जीवन साथी बन जाते हो, पति पत्नी के रूप में रहने लगते हो, लेकिन कुछ घटना घट गई, अब स्थिति विपरीत हो गई, अब घृणा का भाव पैदा हो गया और तलाक की स्थिति आ गई, और कहते हो गुरुदेव अब तो घृणा हो गई। अब आप कहते हो कि जब घृणा हो गई तो उससे उसकी अच्छी बातें याद कैसे करें? अरे, मैं आपसे कहता हूँ, वह सारी अच्छी बातें जो कभी तुम्हारे अनुभव में थी, उसको लेकर कभी कितने गहन प्रेम से उसने तुम्हारे को अपने सीने से लगाया होगा, कभी तुमने महसूस किया होगा कि सारी दुनिया भी छूट जाए लेकिन स्त्री या ये पुरुष मेरा जीवन साथी बन जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आखिर कुछ तो प्रेम की तरंगें आप दोनों के बीच में होंगी। उन स्थितियों को याद करो, और याद करो अपने और उसके साथ के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अच्छाइयों को, कुछ महत्वपूर्ण प्रेम की परिस्थितियों को जो अब तक रही हैं। आप सूची बनाने बैठेंगे तो कम से कम 25 चीज़ें ऐसी होंगी जिसके लिए तुम्हारे प्राणों में उस जीवन साथी के प्रति प्रेम का भाव उमड़ेगा जो अब दब गया है। तुम याद करो, वो 25 प्रेम की घटनाएं उमड़ेंगी, और उनमें से जो अच्छी से अच्छी 4-5 चीज़ें हैं, उन 4-5 चीज़ों को लिख डालो कागज़ पर। उनको लिखो, और उन 4-5 अच्छाइयों को कागज पर लिखने के बाद सुबह दोपहर शाम 3 पढ़ो। ज़्यादा नहीं, तुम 21 दिन उनको पढ़ो सुबह दोपहर शाम उसकी अच्छाइयों को। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, 21 दिन बीतने के पहले ही तुम पाओगे कि उसके जीवन की में जितनी प्रेम की तरंगें भरी हुई है वह सब जीवंत तो हो जाएंगी, और तुम उससे बात भी ना करो, खाली याद करो उनकी इन अच्छी अच्छी तरंगों को, अच्छी अच्छी प्रेम की घटनाओं को। एक दिन आएगा कि वो भागती हुई तुम्हारे पास आएगी, तो या तुम भागते हुए उसके पास चले जाओगे कि घृणा नहीं प्रेम चाहिए, घृणा नहीं प्रेम चाहिए, घृणा नहीं प्रेम चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि हम अच्छे अनुभवों को दबा देते हैं और नकारात्मक अनुभवों को सरलता से याद रखते हैं। नकारात्मक अनुभव हमारी खोपड़ी में, हमारे हृदय में निरंतर घूमने लगते हैं और हमें तरह तरह की पीड़ा देने लगते हैं। सकारात्मक अनुभवों को दबा देते हैं, लेकिन अगर तुम सकारात्मक अनुभवों को लिख लिख कर याद करो सुबह दोपहर शाम, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का समय देके 5 अच्छी अच्छी चीज़ें याद कर लो, उनको लिख लो कागज़ पर,
और सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पढ़ो और उसका फोटो भी साथ में लगा लो। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग बता रहा हूँ, मैंने ये प्रयोग करके और करा के देखे हैं लोगों को, जो संबंध टूट जाने वाले थे तलाक से, जो संबंध एक दूसरे की जान ले लेने पर आमादा हो गए थे, वे सारे संबंध भी फिर से जीवंत हो गए और नए जीवन में वे दोनों लोग प्रवेश कर गए। मैं तुम्हें इस मनोवैज्ञानिक प्रयोग के आधार पर एक महासूत्र देता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में फूल भी हैं कांटे भी हैं, तुम्हारे संबंधों में फूल भी हैं कांटे भी हैं। अगर तुम कांटों कांटों की याद करोगे तो जिंदगी में जो थोड़े से फूल हैं वह भी कांटे बन जाएंगे, और अगर तुम फूलों फूलों की याद करोगे तो जिंदगी में तुम्हारे संबंधों में जो कांटे हैं वह भी धीरे धीरे फूल बन जाएंगे, फूल बन जाएंगे, फूल बन जाएंगे। और जो जिंदगी में सकारात्मक भावों की, विधायक भावों की स्मृति में डूब जाता है, जो जिंदगी में सकारात्मक भावों का स्मरण करने की आदत डाल लेता है, उसके जीवन में परमात्मा के आगमन के संगीत की धुन बजनी शुरू हो जाती है। ये अध्यात्म का पहला चरण है। तुम जिंदगी की अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करो, जिंदगी के फूलों पर अपनी दृष्टि ले जाओ। जहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है, जहाँ तुम्हारा ध्यान जाता है, वही तुम्हारी जिंदगी में कई गुना बढ़ने लगता है। अगर घृणा पर ध्यान जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में घृणा कई गुना बढ़ती चली जाएगी। अगर प्रेम पर ध्यान जाएगा, सकारात्मकता पर ध्यान जाएगा, तो सकारात्मकता और प्रेम तुम्हारी जिंदगी में कई गुना बढ़ते चले जाएंगे। और जिसकी ज़िंदगी में सकारात्मकता और प्रेम जितना ही अधिक बढ़ता जाता है, उसके जीवन में परम शांति परम आनंद के रूप में परमात्मा का आगमन शुरू हो जाता है।